मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, इसका शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टर्म पर हमने आपको इससे संबंधित कुछ टॉपिक बताए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि प्राकृतिक वनस्पति की जो प्रमुख श्रेणियां वो 3 है, वन, घास स्तर, कांटेदार, जिनके बारे में संक्षेप बताया गया था। आज हम लोग सर्वप्रथम वन के बारे में, वन जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वन आपको बताया गया था कि जो वन है वो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं और इन कारकों के आधार पर ही सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। इनका कारण क्या होता है? तापमान और जो परिपूर्ण रूप से जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ वो प्राप्त होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति हमें इन्हीं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी पदार्थ में प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। यहाँ पर हम लोग वन का वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वन का वर्गीकरण मुख्य रूप से जो वन का वर्गीकरण है वो विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर वन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है, इन वनों को हम लोग उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ का की जलवायु होती है, जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र और अधिक तापमान प्राप्त होता है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है और इसके साथ साथ हम इसको वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा है पृथ्वी पर अंकित होती है, उसके आसपास या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। गर्म का मतलब क्योंकि उचित तापमान प्राप्त होता है और उच्च वर्षा के कारण ये वन यहाँ पर पाए जाते हैं। चूँकि यहाँ का जो मौसम है कभी शुष्क होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों को की जो पत्तियाँ हैं पूरी तरह नहीं झड़ती, तो यहाँ के जो इसीलिए वो सदाबहार कहलाते हैं, क्योंकि जिन पेड़ों की पत्तियाँ हमेशा बनी रहती कम होती जब वहाँ का मौसम शुष्क, और इसी के लिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की जो मोटी जो उनकी खाल होती है या छाल जिसे बोलते हैं, उसके जो दिन के समय यहाँ पर सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ जो दृढ़ काष्ठ वृक्ष होते हैं, दृढ़ काष्ठ वृक्ष का मतलब होता है जो मजबूत होते हैं, वो वृक्ष पाए जाते हैं जिनमें रोजवुड, आबूस, महोगनी आदि, यानी यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो महोगनी जो वृक्ष होते हैं, महोगनी है और आबूस है, इस प्रकार के पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं।
दूसरा नंबर आता है उष्ण कटबंधीय वनों के वर्गीकरण में, दूसरा नंबर है उष्ण कटबंधीय पर्णपाती वन को क्या बोलते हैं, उष्ण कटबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटबंधीय पर्णपाती वन इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि जो भारत और ये कहां पाए जाते हैं, भारत में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम में परिवर्तन होने के कारण इसीलिए पर्णपाती वन को वन कहा जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ को का जो संरक्षित रखने के लिए, जल को संरक्षित रखने के लिए यहाँ की जो वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, जो फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं या उनका उपयोग किया जाता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर ये पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनमें बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो वृक्ष है वो साल होती है, साल, सागौन, इन लकड़ियों का उपयोग भी आप करते हैं, फर्नीचर बनाने के काम आता है, तुम्हारे निर्माण खिड़की होते हैं इनको बनाने में होता है। तो इसलिए ये बहुत कई प्रकार से इनका महत्व है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो और भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, शीशम भी है इसमें, शीशम आदि, ठीक है। और इसमें के अतिरिक्त थर्ड नंबर आता है जिसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या शीतोष्ण भी लिख सकते हैं, शीतोष्ण भी लिख सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों, शीतोष्ण सदाबहार वन। ये शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश होते हैं, प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों और जो पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण है पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका या दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं वो बाज जो या और भी कई तरह के पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो वृक्ष हैं यहाँ पर वो चीड़, यूकेलिप्टस यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष, चीड़, यूकेलिप्टस, आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। क्योंकि ये सब जो इनका जो ये कैसे होते हैं, दृढ़ भी होते हैं और उसके साथ साथ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, मजबूत भी और जो मुलायम होते हैं उस प्रकार के, इस शीतोष्ण सदाबहार वन में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अगला है शीतोष्ण पर्णपाती वन नंबर फोर वनों के प्रकार में, शीतोष्ण पर्णपाती वन, इस प्रकार के वन जिनमें उच्च अक्षांश को की ओर बढ़ने पर
अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यदि हम उच्च अक्षांश की ओर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और ये उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, क्योंकि शुष्क जो मौसम होता है तो वृक्ष अपने आप उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो झड़ जाती हैं और पुनः जलवायु परिवर्तन होने पर पुनः निकलती हैं। ये अपनी पाए जाने वाले जो पेड़ हैं में उसमें एस बीच इस प्रकार के, ये एस नाम का एक पेड़ होता है, बीच बाग और कार के पेड़ यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ जानवर भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें पीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति है जो वनस्पति यहाँ पर रखा गया, इसको भूमध्य सागरीय वन भी रख सकते हैं, क्योंकि जो महाद्वीपों के पूर्व और उत्तरी पूर्वी किनारों में अधिकतर भाग में शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब उन्हीं प्रकार के वनों से ढके हुए हैं ये क्षेत्र, और महाद्वीप के जो पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी किनारे हैं वहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, जो इनके आसपास के प्रदेश होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है, इसीलिए इसको भूमध्य सागरीय वनस्पति के नाम से जाना जाता है। वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कैलिफोर्निया है और दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क मौसम या गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली जो मृद शीत ऋतु होती हैं, इन क्षेत्रों पर उन्हीं के जलवायु के अनुरूप जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें आपका जैसे संतरा है, फलों के रूप में मिलते हैं यहाँ पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस से होते हैं, का नींबू वंश वाले होते हैं जिनमें कुछ नींबू वाला स्वाद होता है उस प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें हल्की सी खटास शरीर होती है, चाहे वो संतरा हो या अंजीर हो या अंगूर हो, तो इसलिए इस प्रकार के फल यहाँ पर पैदा होते हैं। और इसके क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन वो है कम है, यहाँ पर जो वन्य जीवन है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के फल वगैरह बाग वगैरह लगे होते हैं। इसके बाद अपना सा है शंकुधारी वन, शंकुधारी उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें टेरा कहा जाता है।
शंकुधारी बने थे, शंकाकार के होते हैं, इसलिए शंका कहा जाता है, उसको टैगा के नाम से जाना जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। ये लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कास्ट वाले जिनकी लकड़ी है वो नरम मुलायम होती है, और उसके साथ साथ इन वृक्षों के कास्ट का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी जानते हैं, और आप ये भी जानते होंगे कि इस लुगदी का उपयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है, चाहे वो अखबारी कागज हो या सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कागज हो, इसी लुगदी से तैयार किया जाता है। क्योंकि जिसकी कास्ट होती है, लुगदी होती है, वो कैसी होती है, बहुत नरम होती है, इसलिए इसकी लुगदी बना करके और उसे कागज के रूप में उपयोग किया जाता है। वो कागज सामान्य रूप से और अखबारी कागज के रूप में उपयोग किया जाता है। और नरम कास्ट का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। आपने अक्सर देखा हुआ है कि जो माचिस होती है, माचिस की स्टिक वगैरह होती है, इसमें भी उसी लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और जो बक्से होते हैं फलों की पेटियां वगैरह आती हैं, उनको पेटियां बोलते हैं, बक्से टाइप के लकड़ी के बनाए जाते हैं, वो भी इसी नरम से बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो चीड़ जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष उगते हैं, उनमें चीड़ है, देवदार, आदि प्रकार के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्य पेड़ हैं ये दोनों। और यहाँ जो सामान्यता से जो पशु या पक्षी पाए जाते हैं, उनमें रजत, लोमड़ी, मेंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। आज उन्होंने वन का जो हमारे पाठ्यक्रम की प्रमुख श्रेणियाँ थी उसमें वन को और वन के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में, वहाँ पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ, वृक्ष और वहाँ पर पाए जाने वाले जानवर और अन्य जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। आज ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित अगले टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।